मेरे चरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आपको ये प्यारा सा वेलकम डोरमेट बनाना सिखाएंगे। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कलर यूज़ करे हैं। 2 कलर से मैंने वेलकम लिखा है और 1 कलर बॉर्डर में लगाया है। यहाँ पे मैं आपको वेलकम लिखना सिखाऊंगी और बॉर्डर आप अपनी चॉइस से कितना भी चौड़ा बना सकते हैं। यहाँ पर जो वेलकम लिखा हुआ है उसके लिए मैंने 9 फंदे डाले हैं, तो ये जो वेलकम की चौड़ाई है वो 9 फंदे की है और इसके जो साइड में फंदे हैं वो 3-3 एक्स्ट्रा डाले गए हैं, यानी कि ये टोटल फंदे 15 हुए। तो आइए इस पैटर्न को बनाना सीखते हैं, 15 फंदों का ये डिज़ाइन। सबसे पहले तो हमें ये 2 लाइन सादा सादा बना लेनी है इसमें, जो कि इस येलो कलर से बना लेंगे हम। सभी फंदों को हम उल्टी ही रो में बनाएंगे और इस तरह से हम 2 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये 2 लाइन मैंने इसकी येलो कलर से बना ली है। अब इसके बाद में ये W वाला डिज़ाइन, ये पैटर्न हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हम इस तरह से लंबाई में बना रहे हैं, इस तरह से ये हम उल्टी रो उल्टी तरफ से ही इसे बुनना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए पहली रो है हमारी उल्टी तरफ से, जिसके 3 फंदे हमें येलो बुनने हैं और उसके बाद में दूसरा कलर ऐड करना है। ये यहाँ पे रेड कलर ऐड करना है और जो 9 फंदे हैं उनको हमें रेड कलर से बना लेना है। ये 9 फंदे का डिज़ाइन है। ये देखिए यहाँ पर 9 फंदे मैंने रेड बनाए हैं और 3-3 फंदे साइड में येलो कलर के बनाए हैं। ये जो साइड वाले फंदे हैं उन्हें आप कितने भी बना सकती हैं, 3, 4, 5, जो भी आप जितना चौड़ा रखना चाहें वो आप बेसिकली ये रेड फंदों को ध्यान में रख के डिज़ाइन सीखें। तो अब देखिए ये वाले फंदे तो हमें सीधी तरफ से सीधे इस तरह से उल्टे उल्टे बुनने हैं, लेकिन जो जिस कलर का फंदा है, येलो फंदा येलो कलर से, रेड फंदे को रेड कलर से बुनेंगे। तो उसे बुनने के लिए हमें रेड कलर को आगे लाएंगे क्रॉस करा के, जिससे यहाँ पे ज़्यादा गैप दिखाई ना दे, और 9 फंदे ये आगे से भी हमें रेड बुन लेने हैं। आगे की रो को हमें इसी तरह से हमेशा कंप्लीट करना है, जो जिस कलर का फंदा है उसे उसी कलर में बुन लेना है। जब भी डिज़ाइन चेंज होगा तो वो उल्टी तरफ से चेंज होगा, तो हम ये आगे की तरफ से इसी तरह से बुन लेंगे। ये देखिए अब हम इसके उल्टी साइड में आ गए हैं। ये हमारी दूसरी रो है, इसमें हमें क्या करना है, ये 3 फंदे तो स्टार्टिंग के हमें येलो करने हैं, उसके बाद में ये जो लाइन है ये वाली फर्स्ट लाइन है, उसके बाद एक एक फंदे को हमें ऊपर की साइड में बढ़ाते हुए चलना है। उसे कैसे बढ़ाएंगे हम, देखिए जब हम इस पैटर्न को ऐसे रखेंगे तो ये W नीचे की साइड से हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो स्टार्टिंग में जो रेड फंदे हैं उन्हें हम येलो करते जाएंगे, क्योंकि ये हमें लाइन बंद करनी है रेड की, इसलिए यहाँ तक लास्ट के 2 फंदे तक हम येलो बुन लेंगे। अब देखिए ये इन दोनों फंदों में जो पहला वाला फंदा है यानी 8वें नंबर का, उसको हमें रेड बुन देना है।
इस तरह से, और ये जो पीछे वाला है उसको येलो, मतलब एक ही फंदा हमें पूरी रो में रेड रखना है जो कि लास्ट से आगे की तरफ है, और बाकी सब फंदे येलो कर देने हैं, और इस तरह से ये पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, इसके बाद से आगे की तरफ से भी ऐसे ही बुन लेना है, सिर्फ एक फंदे को रेड रखना है, बाकी सबको उल्टी उल्टी रो में येलो, फंदे को येलो से, रेड को रेड से बुन देना है। ये हमारी सीधी तरफ की सिलाई है, तो इसे हम बुन लेते हैं। उसके बाद में ये पीछे की साइड में आ गए हम, और ये हमारी थर्ड रो है। ये एक फंदा भी हमने इसमें ऊपर की साइड बढ़ाया है, अब हम एक और ऊपर की साइड में रेड फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए, इस तरह से एक एक फंदा हमें तीन बार बढ़ाना है, तीन फंदे आगे की तरफ, और फिर ऐसे करके एक एक फंदा लेते जाना है हर एक सिलाई पर। तो ये पहली सिलाई कंप्लीट हो गई थी, इसी तरह से हम दो और बना लेंगे। तो चलिए मैं इसे ऐसे ही बना के दिखाती हूँ, अभी किया था उसी तरह से सेम आपको करना है। ये यहाँ पे इस तरह से दो फंदे बढ़ गए हैं, अब हम यहाँ पे एक और बढ़ा लेंगे इसके बगल वाला, तो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, ये तीनों हमने बढ़ा लिए हैं फंदे एक एक करके आगे, अब यहीं से पीछे की साइड से हमें इसे कम करते हुए लाने हैं, मतलब इसे पीछे एक एक उतारते हुए लाने हैं फंदे। इसको कैसे करना है, इसका एक फंदा देख लीजिए। जब आप डब्लू बनाना सीख जाएंगे तो आपको इसी तरह से एम भी बनाना आ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ हम डब्लू में कर रहे हैं वही हमें एम में करनी है, पर वो ऊपर की साइड से करने हैं। इसीलिए आप इसे ध्यान से सीख लीजिए तो आप एम अपने आप से बना लेंगे। ये देखिए, अब ये फंदा इधर की साइड बढ़ाया था पहले हमने रेड, अब यहाँ पे करना है कलर चेंज। तो ये जब रेड फंदा आ गया हमारा बुनने के लिए, उससे हमने पीला बुन दिया है, उसके बाद में जो बगल में है उसके फंदा, इसके इधर वो रेड कर देंगे इस तरह से, और ये बाकी के सभी फंदे को येलो बुन देंगे। इस तरह से ये हमारा पैटर्न नीचे की तरफ बनता जाएगा, और इसी तरह से हम तीन फंदे इसके भी बना लेंगे। तो ये हमारा पूरा डब्लू यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में इस वाली रो को कैसे करना है, तो यहाँ तक बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। जब ये हमारे तीनों फंदे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में हम उल्टी रो में आ जाएंगे, और यहाँ से हमें तीन फंदे स्टार्टिंग के येलो कर लेने हैं, और इसके बाद रेड कलर से बाकी के फंदे नौ बना लेने हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बनाया था ये वाली लाइन। इसी तरह से यहाँ पे नौ फंदे बना लेंगे हम, और ये एक फंदा जो लास्ट का था वो भी हमें रेड कलर से ही बुन लेना है। अब ये पूरा डब्लू कंप्लीट हो गया है उल्टी साइड से, बाकी बचे फंदों को हम येलो कलर से बुन देंगे। ये देखिए, इस तरह से डब्लू पूरा बन गया है, हमने इसे सीधी तरफ से भी बना लिया है। अब इसके बाद में हमें इसके बाद एक रो, ये देखिए, ये एक रो प्लेन निकालनी है। प्रत्येक लेटर के बाद, हर एक अक्षर के बाद में हमें एक एक रो पीले की सादा निकाल देनी है, जिससे इसमें थोड़ा सा गैप आ जाएगा। तो हम ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद में येलो कलर की एक लाइन पूरा लेटर कंप्लीट होने के बाद निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने पूरी कर ली है। अब दूसरा लेटर हम बनाएंगे ई, इस वाली लाइन से हम ई बनाना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग के तीन फंदे हमें येलो ही बुनने हैं, नौ फंदे हम रेड कलर के बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ई बनाने के लिए हमें पहला, बीच का और लास्ट का एक एक फंदा बनाना है,
तो पहला और लास्ट का तो बना लेंगे, बीच वाले फंदे को हम सभी फंदों में से देख लेंगे कि बराबर फंदे डिवाइड हो जाएं और जो बीच में फंदा आ रहा हो उसी को रेड बना लें। आपने जितने फंदे डाले हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लें। जैसे इसमें 9 फंदे हैं तो बीच में तीन तीन छोड़ करके एक फंदा आएगा एक्स्ट्रा, उसी को हमें रेड बनाना है। इस तरह से तीन फंदे येलो के बनने के बाद ये बीच में हमारा ये वाला फंदा आएगा, क्योंकि दोनों साइड में ये तीन तीन फंदे येलो के बन जाएंगे। तो इस तरह से आप इन्हें तीन लाइन तक बना लीजिए और ई को बनाकर कंप्लीट कर लें। ये ई पूरा बन गया है। उसके बाद में मैंने एक लाइन को एक्स्ट्रा बनाया है येलो कलर की, जो गैप देने के लिए है। अब इसके बाद में हम अगला लेटर लिखेंगे एल। एल बनाने के लिए हमें 9 फंदे बनाने हैं स्टार्टिंग में, और फिर पीछे की साइड से तीन रो में हमें एक एक लास्ट में रेड फंदा बुनते जाना है। तो आप इसको देख करके कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा इजी है। ये जो सी लेटर है नेक्स्ट, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो मैं आपको ये बनाना बताती हूँ। बनने के बाद में एक लाइन येलो की बना लेंगे सादा, उसके बाद में हम सी बनाना स्टार्ट। सी लेटर बनाने के लिए हमें स्टार्टिंग में चार येलो के फंदे बनाने हैं, उसके बाद में 7 फंदे हमें लाल कलर के बनाने हैं। इस तरह से 7 फंदे बनाने के बाद दूसरी रो में ये तीन फंदे पीले बनाने के बाद में ये जो एक फंदा है रेड के बगल में ऊपर की साइड, ये इसी ऊपर की तरफ ये फंदा बनाएंगे, इसे हम लाल कलर का बना लेंगे, और बाकी सभी फंदे जो रेड कलर के हैं उन्हें हम येलो कर देंगे। सिर्फ एक फंदे को ही यहाँ पे हमें रेड रखना है। बचे हुए फंदे हमें पीले कर देने हैं। इन सभी को ही पीला करना है। इसके बाद में एक फंदा हमें इधर से नया रेड कलर का, जैसे इस कोने पे बढ़ाया था उसी तरह से इस वाले कोने पे लाल कलर का बुनना है। दोनों साइड से एक एक फंदा ऊपर की तरफ, यानी 9 नंबर का इधर से जो फंदा था स्टार्टिंग में, ये और ये, इस तरह से हमें एक एक फंदा रेड का कर देना है। तो इसे इस तरह से पूरा कर लेंगे सिलाई को। ये एक फंदा बुन लेंगे, उसके बाद में हमें दूसरी रो में क्या करना है। ये हमारा एक फंदा बन गया है रेड कलर का, अब दोबारा भी हमें इसी के बगल में एक और बनाना है इसी तरह से सेम। तो ये डबल फंदे हो जाएंगे ताकि इसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ जाए। तो हम इस वाली रो को भी इस रेड के जगह रेड और येलो की जगह येलो करके बुन लेते हैं दोनों साइड से, ठीक है। इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। ये दूसरी रो है। दो रो बनाने के बाद में जब दो फंदे बनकर कंप्लीट हो जाए दो लाइन, उसके बाद ये तीसरी लाइन में हमें चार फंदे स्टार्टिंग में येलो बनाने, ये लाल वाले फंदे को भी हम नीचे के साइड बनने के लिए बंद कर देंगे यहाँ पे, और नया फंदा इसके बगल में लाल कलर का बुन लेंगे। इस तरह से दो फंदे वो बंद हो गए, और ये नया उसके ही बगल में नीचे की साइड में हमने लाल कलर का बुन लिया, और दूसरी तरफ से भी हमें ये बीच में हमने चार फंदे पीले के बुन लिए। उसके बाद में ये देखिए रेड कलर का फंदा जो आ रहा है उससे हमें बाद में इधर आगे की साइड कराए, तो इधर इसके आगे ये वाला फंदा हमें पीला वाला लाल बुन लेना है।
तो इससे ये राउंड शेप में बन जाएगा। ये लाल कलर का बुन दिया, और जो लाल वाला था उसे हमें बंद कर देना है या फिर पीला बना देना है, इस तरह से वो बंद हो जाएगा। तो दो फंदे हमें इसमें रेड रखने हैं, लेकिन किस जगह बुनने हैं ये आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये सी बिल्कुल सही शेप में बन जाएगी, और इसके आगे आप ओ भी इसी तरह से बना लें। जब ये सी बन जाए, यहीं पे उल्टी तरफ से इसे सीधी तरफ से बनाने के बाद में उल्टी तरफ से ये दोनों फंदे भी हमें बंद कर देने हैं। एक रो येलो की सादा बुन देंगे, और उसके बाद में फिर हम सेम इसी तरह से ओ को बनाएंगे। पर ओ जब बनाएंगे तो ये जो दो फंदे हैं अभी बनाए हैं हमने, उस जगह हमें पूरे 7 फंदे बना देने हैं, जिससे ये लाइन बन जाएगी, बंद हो जाएगा ये। तो सी ये वाली लाइन पूरी बंद हो जाएगी, सेम सी की तरह ही ओ बनाना है, ये लाइन बंद कर देनी है बस यहाँ से। तो आप इसे ऐसे ही बना लीजिए पैटर्न को देख देख कर, और डब्लू की तरह एम बन जाएगा। जो हमने नीचे से इस तरह से फंदे बढ़ाए थे वो हमें एम में ऊपर की साइड से इस तरह से करना है ये वाला पैटर्न। आप इसे इजीली कर लेंगे। उसके बाद में ई आपने बनाना सीख ही लिया था, तो आप ही सेम इस तरह से यहाँ पे बना देंगे और ये पूरा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इसे बनाने में फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको ये फिर से बता दूँगी पूरा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।